कांग्रेस ने जो वादा चुनाव से पहले किया था उसे सरकार बनने के 13 दिनों में ही पूरा कर दिया और भूपेश सरकार ने जो कहा सो वो किया। बात हो रही है छोटे भूखंडों की खरीदी बिक्री पर रोक हटाए जाने की। भूपेश सरकार ने सत्ता संभालते ही पूर्व सरकार की ओर से जो रोक लगाई गई थी उसे तत्काल प्रभाव से हटा दिया। इसका असर ये हुआ कि बीते 7 महीने में बड़ी संख्या में छोटे प्लॉटों की रजिस्ट्री हुई है। और एक नजर में भूपेश सरकार की इस महत्वपूर्ण फैसले पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में जब डॉक्टर रमन सिंह ने तीसरी बार सत्ता संभाली तो उन्होंने छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी थी। मतलब कि लोग 5 डेसिमल से नीचे की जमीन रजिस्ट्री नहीं करा सकते थे। इसका असर ये हुआ कि एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार छोटे भूखंड नहीं खरीद सकता था या कोई बिल्डर छोटे प्लॉट नहीं बेच सकता था। कांग्रेस ने सत्ता में आने से पूर्व लोगों की इन दिक्कतों को करीब से महसूस किया। यही वजह है कि जब भूपेश बघेल ने सत्ता संभाली तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से छोटे भूखंडों की खरीदी बिक्री से रोक हटा दी है। सरकार ने 5 डेसिमल यानी करीब 2000 वर्ग फीट के नीचे की जमीन पर रजिस्ट्री और नामांतरण की रोक को हटा दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राजस्व विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेशों को स्थगित करते हुए नया आदेश जारी किया गया है। 5 डेसिमल से कम की जमीन खरीदी और बेची जा सकती है। राजस्व विभाग पूर्व सरकार के 18 आदेश को स्थगित किया। रजिस्ट्री के लिए खसरा नंबर के नक्शा का दर्ज होने की अनिवार्यता खत्म। लेआउट के आधार पर भी रजिस्ट्री संभव। भूपेश सरकार के इस फैसले का असर ये हुआ कि बीते 7 महीने में हजारों की संख्या में लोगों ने प्रदेश भर में छोटे भूखंडों की खरीदी बिक्री की है। लोग सरकार के इस फैसले से बेहद खुश हैं, क्योंकि लोग शहर में किसी भी तरह से अपना एक छत चाहते हैं। ऐसे में गरीब मध्यवर्गीय परिवार का सपना होता है कि छोटा ही सही एक मकान उनका खुद का हो। इसके लिए वे छोटे प्लॉट की अपेक्षा रखता है। लेकिन पूर्व की सरकार में छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री पर रोक होने की वजह से लोग मन मार के रह जाते थे। भूपेश सरकार ने ऐसे लोगों की इच्छा पूरी की है। सरकार ने आते अपने 30 दिनों के अंदर वापस से छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री पर रोक हटा दी, जिसके कारण बहुत से प्रॉपर्टी डीलर को वापस से जीविका चालू हुई है। लोग अपना घर बना पा रहे हैं। ये दिक्कत पिछले सरकार में बहुत ज्यादा आई थी, लेकिन नई सरकार ने इसे खोल दिया और इसका भी जो बेनिफिट है वो सारे लोगों को मिल रहा है। जो ज्यादा पैसा नहीं है जिनके पास, उनको जो छोटा छोटा एक हिस्सा खरीद के अपने लिए घर बना सकते हैं, जिसे घर में उनको रहने के लिए जगह मिल जाएगा। आज के डेट में रोटी कपड़ा मकान ये 3 चीज जरूरी चीज है, जिस कारण से अगर छोटा कर दिए, अगर छोटे हिस्से को बेच रहे हैं, वो छोटा हिस्सा खरीद पा रहा है, उसको कम पैसा लागत लग रहा है, घर बना पा रहा है, उनको घर की सुविधा हो जा रही है। वास्तव में सरकार के इस फैसले से अब गरीब मध्यवर्गीय परिवार भी स्वतंत्र मकान के सपने को पूरा कर पा रहा है। न सिर्फ छोटे भूखंडों की खरीदी बिक्री के जरिए, बल्कि नक्शा खसरा संबंधित कई दिक्कतों की अनिवार्यता खत्म करने से मिली सुविधा के जरिए भी भूपेश सरकार ने अपना वादा निभाया। लोगों ने अपने सपने को सच में बदलते हुए पाया। सरकार की जब नीति और नियत बढ़िया हो तो हर फैसला जनहितकारी होता ही है। सत्यपाल सिंह के साथ वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।